गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने कैश बुक में क्या क्या कर लिया था। लास्ट क्लास में अगर हम देखें तो कैश बुक के अंदर हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिया था और फॉर्मेट समझ लिया था हमने, और एक छोटा सा मैंने अपना ऑन एग्जाम्पल लेके हमने किया था, ठीक है ना। आज हम कैश बुक की सेकेंड क्लास लेने जा रहे हैं और इसके अंदर कुछ असाइनमेंट के मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और वो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको साथ में डिस्प्ले भी तो होगा ही होगा, बाकी नोट सेक्शन में शिक्षा धाम पे मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी सिंगल कॉलम ही चलेगा हमारा, डबल कॉलम पे अभी नहीं आएंगे, डबल कॉलम अगली क्लास में आएंगे। सेकेंड क्लास में मैं कुछ दो क्वेश्चन कराता हूँ बड़े बड़े प्रैक्टिकल, जिससे आपको सिंगल कॉलम कैश बुक की अच्छे से समझ हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और फिर से मैं कहूंगा कि लाइव क्लास है, मैं कमेंट नहीं देखता लाइव क्लास में, आपको कमेंट देना है। मैंने नीचे स्पेशली नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे कमेंट देख के अपना रिदम और टाइम थोड़ा सा क्या होता है एक्सटेंड नहीं करना चाहता, जितने कम टाइम में अच्छी क्वालिटी अच्छे कंटेंट बन जाए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। तो मेरे सामने क्वेश्चंस हैं, मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, चलो कैश बुक का। कैश बुक और एक स्मॉल सा फॉर्मेट, एलएफ का कॉलम लास्ट में नहीं बनाया था, कोई जरूरी नहीं है अभी बनाना, जब हम डबल कॉलम करेंगे तो बना लेंगे। डेट अमाउंट डेट और इसके बाद ये फॉर्मेट बन गया। एलएफ का बोलते हो आप तो मैं बना देता हूँ, अगले जो टू कॉलम करेंगे ना तो उसमें यूटिलाइज ज़्यादा होगा ये। इसे जेएफ बोल दो या एलएफ बोल दो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, जरूरत पड़ेगी तो और नीचे तक लेके जाएंगे, हर किसी को विजुअल है बिल्कुल। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका असाइनमेंट का फर्स्ट और सेकंड देखो आपने खुद करना है जो असाइनमेंट है, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहा हूँ। कहता है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक ही बोला जाएगा। ट्रांजेक्शन सबसे पहले 2020 का ट्रांजेक्शन है, सिमरन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपको मैं कोशिश करता हूं कि साइड में डिस्प्ले होगा क्वेश्चन आपके, ज्यादा बड़ा शायद फॉन्ट ना हो लेकिन फिर भी आपको विजुअल होगा और साइड में क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा, उसके चिंता मत करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा हूँ आपके साइड में, यहाँ पे विजुअल होता रहेगा। और फिर अगेन बोलता हूँ ये लाइव क्लास है और इसके अंदर मैं आपके डाउट सेक्शन जो होंगे जो कमेंट करोगे मैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं क्वालिटी के ऊपर ध्यान दूंगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए 2020 में कहता है मार्च 1 को सिमरन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 65,000 रुपीस। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डेट 2020 यानी 1 मार्च को 1/3/20 में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 2 कैपिटल सिमरन ने, और मैंने बताया था आपको ये 2 साइड में क्यों आ रहा है, बताइए जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखा उसको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला ये। तो 2 साइड में इसलिए आ रहा है ये क्योंकि आपको अच्छे से पता है इधर से हमारा जो डेबिट बैलेंस से प्लस होगा और इधर से माइनस होगा, और कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ओनली कैश वाले ट्रांजेक्शन, बैंक वाले ट्रांजेक्शन को करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है जी। बॉट गुड्स फॉर कैश, 3 मार्च को हमने 6850 का खरीदा है, तो खरीदा है तो आप सोचिए क्या होगा, पेमेंट जाएगा, खरीदने से क्या होगा पैसा जाएगा, तो बाय साइड में लिखेंगे, और ये हमारा 3 मार्च को 3/3 को बाय परचेज परचेज बाय परचेज 6850
क्लियर 6850। इसके बाद आते हैं मार्च 4 को। मार्च 4 में कहता है पेड कैश टू मोहन, पेमेंट किया है। अब बताओ किधर आएगा? फिर से बाय साइड में आएगा, 4 तारीख की एंट्री बाय मोहन। मोहन को दिया है तो मोहन का नाम, मोहन 950। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 6 को डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जब जमा करवाया तो कैश पे सोचो क्या फर्क पड़ेगा। बैंक में जमा करवाने से हमारा कैश क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कैश बिजनेस से निकालेंगे हम, और बिजनेस से निकाल के कहां जमा करवा देंगे, बैंक में। हमें देखना है दुकान के अंदर पे कैश पे क्या फर्क पड़ा, आ रहा है या फिर जा रहा है, यानी इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। तो देखा जाए तो जब जमा करवाएंगे तो कम ही होगा। तो फिर 6 मार्च को बैंक में जमा करवाया तो बाय बैंक हमारे पास से कैश चला गया। अकाउंट लगाना है आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। अभी पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर कैश। अब फिर से हमने पेमेंट किया ऑफिस फर्नीचर के लिए, तो बताइए क्या होगा। जब ऑफिस फर्नीचर के लिए किया है तो फिर से पेमेंट होगा, तो पेड किया है हमने, और किस तारीख को किया है ये भी अगेन 6/3 को, तो किस लिए, फर्नीचर के लिए, बाय फर्नीचर। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑफिस फर्नीचर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, यह आ जाएगा 4650। ठीक है, आगे कहता है मार्च 9 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में सामान बेचा गया। अब आप बताइए जब नगद में हम सामान बेचेंगे बच्चे तो पैसा आएगा या जाएगा? नगद में जब सामान बेचा जाएगा तो हम कैश को रिसीव करेंगे, तो नगद में सामान बेचा गया तो टू सेल्स अमाउंट क्या आएगा हमारा 30,000, और डेटेड है मार्च 9/3/2020 का डेटा है। आप हर जगह लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आगे कहता है पेड वेजेस मार्च 12 को, तो 12/3 को वेजेस पेड किया तो बाय वेजेस। वेजेस कितने रुपए का पेड किया, ओनली 1200 का, क्लियर। इसके बाद पेड स्टेशनरी 13 मार्च को, फिर से स्टेशनरी का पेमेंट किया, तो आप समझो ना पेमेंट होगा तो इस साइड ही आएगा, है ना, बाय स्टेशनरी। तो हमें समझना चाहिए जब कभी पैसा देंगे तो बाय साइड में आएगा। अच्छा, मार्च 15 सोल्ड गुड्स कैश, कैश में बेचा है मार्च 15 को, तो 15/3 को पैसा आएगा हमारा, और इसके लिए लिखेंगे टू सेल्स। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अकाउंट नहीं लगाना, लगा दो जी क्या दिक्कत है, 25,000 रुपए का। अगर यही चेक से बेचता तो हम नहीं लेते, यही चेक से बेचता तो हम इसको नहीं लेते, ठीक है। चलिए अगली एंट्री की बात करते हैं, मार्च 17 पेड मिसलेनियस एक्सपेंस, खर्चा है भाई मार्च 17 में, तो 17/3 को बाय साइड में मिसलेनियस एक्सपेंस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं 450। इसके बाद आगे क्या कहता है, रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोक अलाउड डिस्काउंट 150। हमने त्रिलोक से पैसे लिए 4850 और उसको डिस्काउंट दिया 150, तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, जितना पैसा रिसीव किया सिर्फ हम उसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट नॉन कैश आइटम हो जाता है हमारा एक तरीके से। तो 19 तारीख की एंट्री है ये, 19/3 की, और टू त्रिलोक, कहां गया त्रिलोक, अच्छा, और 4850 रुपए रिसीव किए, वेरी सिंपल। और डिस्काउंट वाली एंट्री को कुछ नहीं करना, ये देखो मैं आपके सामने डिस्काउंट को काट देता हूं, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। इसके बाद परचेज गुड्स 2500 रुपए का, तो परचेज किया तो बाय साइड में आएगा, बाय परचेज। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज, एसेट्स खरीदेंगे तो उस एसेट्स के नाम से, कितने का 2500। और डेटेड भी ध्यान देना है, डेट क्या है इसका 22 मार्च। अगली एंट्री पे चलते हैं 25 को पेड रेंट, फिर से 25 को पेड रेंट किया हमने, बाय रेंट पेमेंट किया हमने, ठीक है। और पेड रेंट कितना किया हमने, 900 रुपए,
25 तारीख का। अब 28 को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कहाँ जाएगा बताओ, बाय साइड में जाएगा, 28/3 को बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमने बिजली का बिल पेमेंट किया ₹350 का, और हमें नहीं चले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये लो जी नीचे आ गया, ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 29/9 को फिर से पेमेंट है जी, इधर जाएगा बाय एडवर्टीजमेंट, बाय एडवर्टीजमेंट कितने रुपए का, ₹400 का। 29 के बाद 31 तारीख को, 31/3 को पेड इनटू बैंक। अब बैंक में फिर से जमा करवाया, अगर मैं बैंक से निकालता ना तो हमारे पास कैश आ जाता, लेकिन बैंक में जमा करवाया तो फिर से बाय बैंक करना पड़ेगा। डबल कॉलम में हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, लेकिन जब डबल कॉलम सीखेंगे तब हम उसकी बात करेंगे, है ना, अभी हम सिंगल कॉलम सीख रहे हैं। और कुछ भी नहीं है इसमें, आंसर दे रखा है बस नीचे। चलिए अब सिंपली हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और टोटलिंग करके आंसर निकालते हैं। पहले हम इसको इधर लिखते हैं, और देखो आंसर कंप्लीट होता है, मेरा मन कर रहा है जल्दी जल्दी फटाफट कर दे, लेकिन नहीं, आंसर जब निकलने वाला हो तो थोड़ा पेशेंस। 65,000, 30,000, 25,000, 4,850, आ गया 128, 124, 124, 850, ये आ गया 124, 850। अब इसमें से इधर ये भी आ जाएगा 124, 850। अब इसमें से सबको एक एक करके माइनस करते हैं, माइनस 6,850, माइनस 950, माइनस 40,000, माइनस 4,650, माइनस 1,200, माइनस 400, माइनस 450, माइनस 2,500, माइनस 900, माइनस 350, माइनस 400, माइनस 25,000। तो ये मेरा जो आंसर है आपके इसमें, ये जो हमारा आएगा टोटल माइनस करके बाय बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी। एक बार फिर से हम टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं 65,000, 30,000, 25,000, 4,850, माइनस 6,850, माइनस 950, माइनस 40,000, 4,600, ये आ गया 41, 41,200, सॉरी 41। कोई आइटम रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं, 41,200 माइनस प्लस, एक आइटम सैलरी जो पेड किया था ना हमने ₹15,000 का, वो रह गया मेरे से, मिस हो गया, उसको मैं लिख देता हूँ सैलरी को, डेट ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा, मैं बाय सैलरी लिख देता हूँ यहाँ, सैलरी 15,000, डेट ऊपर नीचे हो गया, आपने नोट करना है उस डेट के अकॉर्डिंग। और जो सैलरी गिवन है हमें वो आप देखेंगे, इस साइड में सैलरी दिख रहा है 15,000 का, और ये 22 तारीख की एंट्री है, 22, इसको 22 लिखना, यानी यहाँ पे लिखना है इसको, ठीक है 15,000। तो अब आएगा बाय बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी आ गया हमारा 26,200, ठीक है, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, छब्बीस दो सौ, और इसको हम इधर कर देंगे टू बैलेंस, बैलेंस सीडी 26,200, और डेट डाल देंगे एक, ये क्या था, मार्च 1/4/2020, ठीक है। तो ये हमने आपके असाइनमेंट में, मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 है, और कहीं कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर स्पेशली नहीं लिख रहा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, सिंपल सा लॉजिक है, पैसा रिसीव हुआ इधर और पैसा पेमेंट हुआ इधर। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, आप इतने नोट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, थोड़ा लेंदी है और इसमें काफी सारे, एक पॉइंट भी है बहुत मजेदार पॉइंट है, उसको भी देखेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4,
नोट करिए फटाफट इसको, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करिए। कर लिया नोट आपने? नहीं करा तो इसे पॉज करके नोट करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट में एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से देखा जाए, और आगे काम भी आएगा। मैं इसे आराम से मिटा देता हूँ सावधानी से, है ना। चलो ये तो अब रहेगा ही नहीं, दोबारा बना लेंगे यहाँ से। चलिए, आपने बोला और मैंने मिटा दिया। अच्छे से पढ़ रहे हो ना आप? ध्यान से बस आप क्लास देखते जाओ, फिर देखो आप कैसे सारा आंसर एक बार में निकलेगा आपका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं, और वैसे भी साइड में आपको डिस्प्ले होगा क्वेश्चन, ठीक है? यस सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मार्कर थोड़ा दूसरा यूज कर लूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। और आपके बुक में कोई भी हो सकता है, बाकी साइड में डिस्प्ले में कर रहा हूं क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 का है। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैशबुक है, जो कि हम सिंगल कॉलम ही कर रहे हैं यहां पे। ये जो हमारा है सिंगल कॉलम ही है। क्वेश्चन में कहता है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, तो 1/4 को कैश इन हैंड, और ये है 20। कैश इन हैंड को हम क्या कहेंगे? मैंने बताया था ना, कैश इन हैंड को बैलेंस, बैलेंस स्टार्टिंग का होता है ये, इसे बैलेंस बीडी कहते हैं। तो कैश इन हैंड हो या ओपनिंग बैलेंस हो, उसको बैलेंस बीडी से लिखेंगे। इधर लिख देता हूं मैं नोट, इधर तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए यहां लिख देता हूं, कैश इन हैंड या फिर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों को किस नाम से स्टार्ट करते हैं हम? बैलेंस बीडी से, ठीक है। 6400 गिवन है हमें, मैंने यहां लिखा 6400। आगे कहता है रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से कैश रिसीव किया है, तो कब रिसीव किया है? 3 अप्रैल। तो मैं अब सिर्फ 3/4 लिखने जा रहा हूं, और 2 अनुपमा, अनुपमा, और कितने रुपए रिसीव किया? ओ माय गॉड, 1 लाख रुपए लिए मैंने इससे। तो देखो मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, ये मेरे पास टोटल कितने हो गए? 1,64,000। इसके बाद पेड इनटू बैंक, बैंक में 80,000 जमा भी करा दिए, तुरंत बैंक में जाके 80,000 जमा करा दिया। बताओ टू में लिखें या बाई में? कमेंट करो टू में लिखें या बाई में। हालांकि कमेंट तो मैं बाद में देखूंगा, सबको रिप्लाई करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं यहां पे हूं, तो आंसर होना चाहिए बाई साइड में, और बाई साइड में आएगा बाय बैंक, एंड अमाउंट इज हियर आपका 80,000। ये लो देखो कितना कंजूस है, फटाफट बैंक में पैसे जमा करवा दिया। किसकी अकाउंटिंग चल रही है भाई? नाम नहीं लिखा इसने। 4 अप्रैल की एंट्री है, 4/4, चौके पे चौका। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन 5 अप्रैल को, 5/4 को भूमिका से, टू भूमिका,
भूमिका। अब आप देखिए, भूमिका से आपने पैसे कमीशन रिसीव किया है, फ्रॉम एज अ कमीशन, तो भूमिका नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट है, यहां लिखेंगे कमीशन। अगर हम नॉर्मल कैश रिसीव करते हैं ना, नॉर्मल सिर्फ भूमिका से, तो भूमिका आता। यहां पे कमीशन है तो क्या लिखा जाएगा बताओ? कमीशन, और अमाउंट लिखेंगे हम 6,000। चलिए आगे चलते हैं। पीछे पेड वेजेस 6 अप्रैल को 30,000 रुपए का इसने क्या करा है, वेजेस पेड किया है 30,000 रुपए का। कुछ ज्यादा ही वेजेस पेड हो रहा है, कोई बात नहीं। अप्रैल 6 को, 6/4 को वेजेस पेड किया है, तो बाय, अब वेजेस है तो खर्चे का नाम, और 30,000 का। इधर एलएफ नहीं बनाया, यही बोल रहे हो आप, ईएलओजी बना देते हैं। पिछले में नहीं बना पाया तो चिंता मत करो, ये लो एलएफ बन गया। खुश। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इसका मतलब मैंने बैंक से पैसे निकाले, तो पर्सनल यूज नहीं है, बैंक से पैसे निकाल के मैं यहां लेके आ गया, तो विड्रॉल फ्रॉम बैंक के अंदर हमारे पास टू बैंक से पैसा आएगा, टू बैंक से पैसा आएगा। कितने आए? 30,000 रुपए। ये लो, रखना जरूरी था, इतनी जल्दी रख दिया इसने 7/4 को। इसके बाद परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक, ध्यान दो, परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक तो क्रेडिट पे है, ये तो नोट लिखवाया था। क्या इसकी एंट्री करेंगे हम? आंसर है सर, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। रीजन वाई? क्योंकि ये एंट्री क्रेडिट पे किया गया है, कैश इन्वॉल्व नहीं है। कैश सेल्स 10,000, इसकी एंट्री बिल्कुल करेंगे, सेल्स हुआ है तो पैसा आया होगा, सेल्स और 10,000 रुपये, 10,000, और अमाउंट 9 अप्रैल को, 9/4। इसके बाद ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, 4,000 रुपये मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो आप मुझे बताइए 4,000 जो मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं वो क्या है? ड्रॉइंग। लेकिन बिजनेस से तो पैसा गया ही है, बिजनेस से पैसा जब जाएगा तो कहाँ लिखेंगे बताओ? बिजनेस से पैसा जब जाएगा तो हम लिखेंगे भाई बाय साइड में, किस नाम से? बाय ड्रॉइंग। हाँ जी, बाय ड्रॉइंग आएगा। और इसने कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई? 10,000, और डेटेड है ये 11 तारीख की, 11/4, 9 के 11 के 12। परचेज फर्नीचर, कुछ नहीं बताया, तो मान लो नगद है और एसेट्स खरीदा है, तो उस एसेट्स के नाम से फर्नीचर, फर्नीचर साफ साफ एकदम नोट करना है आपने, 4,000, बड़ा सस्ता फर्नीचर खरीदा है, और कब खरीदा है? 12 तारीख को, तो 12/4। पेड टू रूमा, रूमा को पेड किया है, तो भाई 13 तारीख को पेमेंट किया है, 13 तारीख को पेमेंट किया है, तो बाय रूमा, रूमा कितने रुपए पेड किए हैं? 1,200 रुपये, ठीक है ना? 13 तारीख को जब पेमेंट किया है तो कितने रुपए पेड किए हैं? 1,200 रुपये। और भाई क्या हाल चाल, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसके बाद 14 अप्रैल को पेड टू आपका गांगुली ब्रदर्स को, गांगुली को 14 तारीख को पेड किया है, गैंगुली को हमने 14 तारीख को, ओहो 4 आना है, गांगुली बाई साइड में, बाय गांगुली, ठीक है, गांगुली ब्रदर्स को 1,500 रुपए का पेमेंट दे दिया है, ठीक है, पेमेंट दिया तो इसी साइड तो आएगा। 15 तारीख का पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस यूज, अपना घर का लाइफ इंश्योरेंस पेड कर दिया, घर का सॉरी, अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस पेड कर दिया, मेरा लाइफ इंश्योरेंस, मैं तो पर्सनल आ गया, तो ड्रॉइंग 15 तारीख को, ड्रॉइंग कहां से पेड किया इसके भी पता लगाओ, कैश में किया है, चेक से किया है, कैश से किया है, तो बाय ड्रॉइंग। लाइफ इंश्योरेंस याद रखना, बिजनेस का नहीं होता, ऑनर का होता है, तो इसलिए ड्राइंग है, इसको ध्यान रखना है आपने। ओहो लाइन टेढ़ी हो गई है, फॉर्मेट खराब हो गया, सिग्निफिकेंट मैनर नहीं है, बताओ। चलिए इसके बाद आगे कहता है, परचेज स्टेशनरी 16 तारीख को, परचेज स्टेशनरी फिर से पेमेंट किया है 16/4 को, बाय स्टेशनरी,
बाय स्टेशनरी कितने रुपए? 1,000। समझे मेरी बात? स्टेशनरी के नाम से आएगा, परचेज भले ही किया हो। पेड ऑफिस एक्सपेंस 17 तारीख को 500 रुपए का, तो बाय साइड में आएगा और यहां लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस, और कितने रुपए का है ऑफिस एक्सपेंस? 500 रुपए का, और डेटेड 17/4। कितना आसान है ये, मैं क्या करूं। 19 तारीख का फिर से पेमेंट कर दिया 19/4 को इसने। कितने रुपए पेड कर दिए? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो है मात्र 100 रुपए, बड़ा सस्ता। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, रमन से रिसीव किया है इंटरेस्ट, कुछ नहीं बोला, तो हम रमन से क्या रिसीव कर रहे हैं? रमन से रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, इनकम का नाम है तो इंटरेस्ट, रमन नहीं लिखेंगे यहां, इंटरेस्ट लिखेंगे कब? 20/4 को, और इंटरेस्ट में अमाउंट आ जाएगा टोटल 500 रुपए। ओहो, बड़े पैसे आए हैं। लास्ट वाले बैलेंस के लिए मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन कराया, इतनी मजेदार एंट्री है। इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा। मान लीजिए ये है रामू, ये है रामू, और ये बड़ा तेज, बड़ा ही चतुर है, बड़ा ही चतुर है, ये हिसाब किताब का एकदम पक्का, तुरंत तुरंत हिसाब कर लेता है ये। अब इसका हिसाब किताब मैं बताता हूं, इसने सेल्स किया 500 रुपए का, इसने सेल्स किया 500 रुपए का, इसके पॉकेट में टुक 500 रुपए आए। फिर इसने राधा से पैसे लिए, राधा से पैसे लिए, टुक आ गया 500 रुपए, 300 मान लेते हैं। अब मुझे जवाब दीजिए, रामू के पास मैंने पूछा, रामू कितने पैसे हैं ये बताओ। रामू ने बोला जी 800। क्या रामू ने सही बताया कि इसके पास कितने रुपए हैं? 800। समझे बात को? इसके बाद रामू ने कुछ खर्च भी किए। क्या क्या खर्च किए? इसने वर्कर को सैलरी दे दिया 200 रुपए का। मैंने बोला अच्छा, और क्या करा भाई? बोला भाई मैंने छोले भटूरे खा लिए, पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग, मैंने छोले भटूरे खा लिए 100 रुपए का। मैंने बोला ओहो। अब रामू से बोला, चतुर रामू फटाफट बताइए आपके पास कितने पैसे? रामू ने बताया 800 रुपए और 300 हो गए खर्च, तो मेरे पास है कितने? 500 रुपए। तो रामू हैज अ बैलेंस 500, और इस बैलेंस को बोलते हैं हम बैलेंस जो लास्ट में बचता है, सीडी। रामू को बोला भाई 500 रुपए खो जाएंगे, इसको बैंक में जमा करा दो। रामू ने बोला हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, ये पैसे तो मेरे से खो सकते हैं, इसको बैंक में जमा करा दूं। रामू पूरा बैंक में जमा कराने गया, चल रहा है रास्ते में, 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 बैंक में जमा कराने गया। जब वो बैंक में जमा कराने गया, रास्ते में जा रहा था, याद आया यार कुछ खर्चे के लिए तो रख ही लूं मैं, 100 रुपए रख लेता हूं। तो इसने क्या करें, 100 रुपए बचा लिए और जमा कितने कर दिए? 400 रुपए। यही कॉन्सेप्ट है। ये पैसा कहां चले गया? बैंक में, और ये पैसा बच गया। अब बैलेंस सीडी क्या है? अब इसके पास बचा हुआ पैसा कितने हैं? 400 रुपए। तो याद रखना, जितने पैसे हम बचा लेते हैं वो बैलेंस सीडी होता है, और जितने जमा कर देते हैं वो क्या होता है? बैंक में होता है। क्लियर है आपको? जी सर क्लियर। यानी वेरी सिंपल, जितने पैसे हम बचा लेंगे वो पैसा हमारा होगा बैलेंस सीडी, और जितना जमा करेंगे वो बैंक में चला जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रामू अब आप यहां से हट जाओ, रामू यहां से हट जाओ। चलो मैं एक और इसको भी मिटा देता हूं, लिख लेना आप, मैंने पहले बोला था, पीछे से पॉज करके लिख लेना। चलिए ये हटा दिया मैंने, ये बनाया रामू का कैश बुक। अभी देखा था आपने रामू को, रामू का कैश बुक, ये है रामू का कैश बुक। रामू के पास सेल से पैसा आया 500 रुपए, राधा से पैसे आए थे, राधा से 300, रामू ने बोला मेरे पास है 800, रामू ने खर्च कर दिए
कहां कहां खर्च कर दिए थे? सैलरी, याद करो एग्जाम्पल, सैलरी, सैलरी में कितने दे दिए थे इसने? 200 रुपए। और ड्राइंग कर लिए, ड्राइंग, रामू का कैश बुक बना रहा हूं मैं, रामू का अकाउंटेंट हूं मैं, उसके लिए कैश बुक। अब रामू बोलेगा कि जी मेरे पास 800 और मेरा बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस सीडी कितना है? रामू बोल रहा है 500, लेकिन एक सेंटेंस आया सीबीएसई, सीबीएसई ने बोला, छोड़ो सीबीएसई छोड़ते हैं, एक सेंटेंस आया अकाउंट से और उसने एक लाइन लिखा, रिटेन, रिटेन, रिटेन का मतलब बचा लो, रिटेन, रिटेन 100 एंड बैलेंस, बैलेंस डिपॉजिट, डिपॉजिट इन टू बैंक, इसका मतलब, रिटेन का मतलब बचा लो, बचा लो, रामू को मत बचाओ, इतने रुपए 100 रुपए बचा लो, ये नहीं समझ में। एक और सेंटेंस, इन एक्सेस, इन एक्सेस ऑफ 100, 100 रुपए से ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ 100 डिपॉजिट, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है कि 100 रुपए बचा लो और बाकी बैंक में जमा कर लो। तो जो पैसा बचाया जाता है उसको बैलेंस सीडी बोलते हैं। तो नाउ यहां पे आपका बैलेंस सीडी निकालना नहीं है मैंने, सॉरी, यहां पे बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी मुझे पता है कितना है, 100 रुपए। अब देखते हैं, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, 500 रुपए थे, 500 में से अगर मैंने 100 बचा लिए तो 400 रुपए तो मुझे क्या करना है? इट शुड बी डिपॉजिट इनटू कहां पे? बैंक में। तो बैंक में जब जमा कराएंगे तो एक एंट्री बीच में करना पड़ेगा लास्ट डेट पे, टू बैंक, सॉरी बाय बैंक, कितने? 400। देखो अब एंट्री मैच हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है। दोबारा देखो, जितने पैसे बचाएंगे उसको लिखेंगे बैलेंस सीडी और यहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बीएफ निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 800 में से 2, 1, 3 और 1, 4, 400 गए तो बचे कितने? 400 रुपए। क्या आपको बात समझ आई? जी सर, बात समझ में आ गई। यानी इसका मतलब यही है कि इतने रुपए बचा लो, या इसका मतलब भी इतने रुपए बचा लो, बाकी पैसे बैंक में जमा कर दो। अब मुझे बताइए, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में, अगर मैं बोलता 50 रुपए बचा लो तो कितने जमा करता? सर 50 बचाता तो 450। यहां पे बैलेंस सीडी कितना होता? सर अगर बचाया उसने 50 तो बैलेंस सीडी भी कितना होगा? 50 ही होगा। जी चलिए, अब हम अपने जो कि क्वेश्चन में गीवन है उसके लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में जो गीवन है इसके लाइन को पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। बड़ी टेंशन वाली लाइन दे दी है क्वेश्चन वालों ने, मुझे तो चिंता हो रही है कि समझ आएगा या नहीं आएगा। कहता है डिपॉजिट ऑल कैश, सारे पैसे जमा कर दो इन द बैंक, बोलता है सारे पैसे बैंक में जमा कर दो, इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000। लो जी लो, 2000 रुपए सिर्फ आपको मिनिमम बैलेंस कैश में रखना है, मतलब 200 बचा लो बाकी बैंक में जमा कर दो। है 200 बचा लो, तो बचा लो मतलब बैलेंस, बैलेंस सीडी कितने रुपए आएंगे? 200। तो क्या कहता है क्वेश्चन में? 200 रुपए बचा लो, ओहो 200 नहीं 2000 है, 2000 बचा लो और बाकी कहां जमा कर दो? बैंक में। आपकी मेहनत बहुत है, मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, आप सब तो इतने होशियार हो, एकदम कैलकुलेशन फटाफट करते हो, मेरी कैलकुलेशन वीक है, मैं थोड़ा कैलकुलेटर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसका टोटल करूंगा, 6400, 1,06,000, 30,000, 10,000 और 500, 152, 152, 900, सेम इधर लिखा मैंने 152, 900, सबको माइनस करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके लिए रखेंगे बैंक, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बैंक,
क्योंकि इसका मतलब ऑटोमेटिक बैंक में जमा हो जाएगा ये। चलिए -80,000, -30,000, -10,000, -4,000, 1200, 1500, 1500, 800, 1000, 500 और 2000, 21,000 जो हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया 2000 कैश का बैलेंस और कुछ रह गया क्या? 10,000 रुपए की एक एंट्री हमने छोड़ दी। नालायको, आपने बताई नहीं 10,000 रुपए की एक एंट्री। कौन सी 10,000 की रह गई? रह गई रह गई रह गई परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक, नहीं, 1 2 3 कितने 10,000 की एंट्री है यहां पे? एक, बस एक एंट्री पक्का छोड़ दिया पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग। और 10,000 कहाँ है? कैश सेल्स 10,000, दो, बट यहां पे है 3। टोटलिंग में शायद रह गया, टोटलिंग में लिखा तो पूरा है, टोटलिंग में रह सकता है। 1,00,000, 6,000, 30,000, 10,000 और 500, 1,52,000, ये ठीक है। 80,000, -30,000, -10,000, -4,000, -1,200, -1,500, -1,800, -1,000, -500, -100 रुपए और -2,000, -2,000, 10,000 रुपए के फर्क है। -11,800, 10,000। एक मिनट, 10,000 की एंट्री ढूंढते हैं क्योंकि हमारे आंसर से 10,000 का फर्क है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 5,000 भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है। इधर तो कोई एंट्री है नहीं। 6,400, 6,400, 6,400, आ जाइए इधर। 30,000, 30,000, ठीक है। 10,000 परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक, मुझे डाउट है इस एंट्री पे, प्रॉपर लिखा नहीं है, मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। कैश सेल्स 10,000, टिक हो गया। पर्सनल यूज 10,000, टिक हो गया। 4,000 फर्नीचर, छोड़िए भाई। 21,800 आंसर आया मेरा, 21,800, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? 21,800। फिर भी एक बार आप भी वेरीफाई करिएगा और इसको नोटिंग करिए, फिर दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। ये देखो, आपको सामने तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, क्वेश्चन में क्या कहता है? डिपॉजिट ऑल कैश करो भाई जमा। ऑल कितना पता नहीं, मिनिमम कैश बैलेंस 2000, 2000 रुपए बचा के बाकी सारा जमा करो। तो 2000 रुपए देखो मैंने यहां बचा लिया और बाकी ये बैलेंसिंग फिगर आ गया और मैंने इसको क्या करा, जमा कर दिया, है ना। चलिए जी, आप इसको नोट करिए फटाफट, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी नोट करिए, मैं यहां जल्दी जल्दी क्रॉस वेरीफाई करता हूं। चलो जी, 6,400 अनुपमा, 1,00,000 रुपए पेड टू बैंक, 80,000 रुपए रिसीव कमीशन, 6,000 रुपए पेड वेजेस, 30,000। जल्दी जल्दी नोट करिए, एक चीज और, ये गांगुली से इसने करा खरीदा था ऑफिस फैन, तो इसका नाम नहीं आएगा अब, और पेड करा है तो फैन, ऑफिस फैन लिख दो यहां, ऑफिस फैन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस 800 रुपए, 1,000 स्टेशनरी, 500 रुपए एक्सपेंस, ठीक है। हमारा आंसर एकदम करेक्ट,
जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट। चलिए स्टूडेंट, नोट कर लिया, सिंगल कॉलम कैशबुक पूरी तरीके से खत्म कर लिया। ये वाला जो पॉइंट था, डेट पूछ रहे हो, डेट आएगा 30/4, 30/4, ठीक है, डेट का ध्यान रखना। और एक कर देंगे हम 1/5 को टू बैलेंस, बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी क्या आएगा हमारा जी, बैलेंस बीडी आएगा 2000 रुपए, ठीक है। अब इसको नोट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम स्टार्ट करेंगे और होपफुली डबल कॉलम में बहुत अच्छी अच्छी एंट्री है और वो हम बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नोट करके मुझे व्हाट्सअप भी करना है, ठीक है। और अब हम चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और जो बच्चे YouTube पे लाइव क्लासेस देख रहे हैं वो YouTube के चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ाना और मैं पढ़ाता रहूँगा, जितने बच्चों की मदद हो सके, हेल्प हो सके, मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच।